गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल बागपत. स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड वी ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम. स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर 4, दैट इज द रैट ट्रैप, एंड वी हैव कंप्लीटेड इट्स 6 पार्ट, इन विच वी केम टू नो दैट द पेडलर बिकेम रेडी टू गो विद द एडला विल्मिंसन एट हर होम. नाउ वॉट हैपेंड इन द नेक्स्ट पार्ट. Come. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow. He accepted. Who is he here? He here, the rat trap peddler. Accepted means accept karna, swikar karna. The fur coat means the fur coat that the valet had on his arm. He accepted that and the valet handed him. वैलेट हैंडेड हिम मतलब जो सर्वेंट थे उन्होंने उसको दिया. कैसे? विद अ डीप बो. बो मीन्स बेंट, नीचे झुककर उसको पूरी रेस्पेक्ट के साथ वो फर कोट वो दे देते हैं. थ्रू इट ओवर हिज रेग्स. रेग्स मीन्स डर्टी एंड वी कैन से ओल्ड क्लोथ्स, मीन्स जो उसने फटे पुराने से कपड़े पहने हुए थे. थ्रू इट ओवर हिज रैग्स मीन्स उसने क्या किया, बाद में अपने उन फटे कपड़ों पर उस कोट को पहन लिया. एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट ऑफ द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द अस्टोनिस्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस. एंड फॉलोड द यंग लेडी. हु वॉज द यंग लेडी? द यंग लेडी वॉज द एडला विल्मिंसन, डॉटर ऑफ आयरन मास्टर. आउट ऑफ द कैरेज और सीधा उसको फॉलो करते हुए बाहर कैरेज के लिए चल देता है. विदाउट ग्रांटिंग, ग्रांटिंग मीन्स हियर ऑफरिंग, मीन्स बिना इस बात का ध्यान दिए हुए. द अस्टोनिश्ड, अस्टोनिश्ड मीन्स सरप्राइज्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस. ग्लैंस मीन्स लुक, मीन्स फाइनली उसको जाते हुए उसने जो ब्लैकस्मिथ वहाँ पे मास्टर ब्लैकस्मिथ काम कर रहा था उसको बिल्कुल भी, हालांकि वो सरप्राइज था कि कैसे एक पेडलर को हमारे ऑनर के घर जाने का मौका, एक चांस मिल रहा है, तो वो सरप्राइज था इस बात से. लेकिन फाइनली उसने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए उस लेडी को फॉलो करते हुए वहां से बाहर निकल जाता है. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनोर हाउस ही हैड इविल फॉरबिडिंग्स. लेकिन जैसे ही वो वहां से जा रहा होता है, फॉरबिडिंग्स मीन्स प्रिवेंटिंग नॉट टू डू, मीन्स कोई ऐसी चीज जो उसे रोक रही हो कि नहीं ये काम नहीं करना. फॉरबिडिंग मीन्स मना करना होता है ना, तो फॉरबिडिंग मीन्स प्रिवेंटिंग नॉट टू डू, कि ऐसा कोई भी एक्शन नहीं करना. एविल मीन्स इल, बुराई, बुरी चीज. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनोर हाउस ही हैड इविल फॉरबिडिंग. और जैसे ही वो उस मैनोर हाउस मीन्स फार्म हाउस पर वो जा रहा था, तो ये चीज एक बुराई की तरह थी जो उसको नहीं करनी थी. बिकॉज एक्चुअल में दिस इज नॉट राइट, बिकॉज ही वॉज नॉट द कॉमरेड एंड ही वॉज नॉट द कंपेनियन ऑफ एडलास फादर. वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी. एंड ही थॉट कि वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, कि मैंने इतना गलत क्यों किया, क्यों मैंने उस पर्सन की, मैंने पैसे जो थे वो चुरा लिए. हु इज द फेलो हियर? द फेलो हियर द क्रॉफ्टर हुज मनी द पेडलर हैड ऑलरेडी स्टोलन, है ना, जिसके पैसे उसने पहले चुराए. तो अब वो याद करता है कि मैंने उसके पैसे क्यों चुरा लिए. ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. एंड ही रियलाइज एट वंस कि अब मैं खुद इस जाल में बैठ चुका हूँ. आई एम सिटिंग इन द ट्रैप मीन्स अब मैं इस जाल में बैठा हुआ हूँ एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा. द नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, और अगला ही दिन क्या था, क्रिसमस ईव. एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड हुम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली. द नेक्स्ट डे वॉज द क्रिसमस ईव एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, मीन्स आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आता है ब्रेकफास्ट के लिए. ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन, शायद वो इस बात को बहुत संतुष्टि, मतलब इस बात को सोचकर संतुष्ट होगा. सेटिस्फैक्शन मीन्स कंटेंटमेंट,
सेटिस्फाइड फील करना, कंटेंटेड फील करना ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि आज उसके साथ अपना आर्मी में काम करने वाला उसका पहला कोई दोस्त, ठीक है, जिससे वो कभी उसने सोचा नहीं था, लेकिन रन अक्रॉस मीन्स केम अक्रॉस, अचानक से मिलना, अचानक से अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जिसकी हमें उम्मीद ना हो, जिसकी हमें उम्मीद ना हो उसका मिल जाना। तो उसने सोचा भी नहीं था कि उसको अपना फ्रेंड इस तरीके से मिलेगा, और फाइनली ही वॉज नाउ सेटिस्फाइड बाय थिंकिंग दैट हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड इज विद हिम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। आयरन मास्टर सेड हिज डॉटर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी, हु इज वी हियर, आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, कि हमें सबसे पहले क्या देखना है, दैट ही गेट्स, हु इज हियर, ही हियर पेडलर गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन, कि मतलब उसकी पहले हड्डियों पर कुछ मांस चढ़ जाए, हमें ऐसा कुछ करना है। हु वॉज बिजी एट द टेबल एंड द डॉटर हु वॉज बिजी ऑन द टेबल वाइल अरेंजिंग द ब्रेकफास्ट, एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन रनिंग अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप। देन ही सेड कि उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसको करने के लिए हमें कुछ और देना होगा बजाय इसके कि ये घूम घूम कर चूहेदानी बेचता रहे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। इट इज क्वेयर दैट थिंग्स हैड गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट। इट इज क्वेयर, क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज, बहुत अजीब, पिक्यूलर, क्वेयर स्ट्रेंज एंड पिक्यूलर ऑल आर द सिनोनियम्स। इट इज क्वेयर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर। मीन्स एडला सेड टू हर फादर कि ये बहुत अजीब बात है कि उसके साथ चीजें क्या इतनी एक के बाद एक बुरी ऐसे होती चली गई। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। शी सेड टू हर फादर कि लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक कि मतलब लास्ट नाइट मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा, देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो कि मतलब मुझे उसमें ऐसी एक भी चीज दिखाई नहीं दी जिससे मुझे ये लग सके दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन कि वो कभी किसी टाइम पर कोई पढ़ा लिखा इंसान रहा है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, देन आयरन मास्टर सेड दैट यू मस्ट हैव सम पेशेंस, है ना, कि तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। सेड द फादर एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट, कहता है कि एज सुन एज ही गेट्स मीन्स जैसे ही वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा एंड ड्रेस्ड अप और अच्छे कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम देखोगे कि कुछ अलग ही वो इंसान है। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, लास्ट नाइट मतलब नेचुरली मीन्स मतलब इनडीड, वास्तव में कि भाई वो थोड़ा स्वाभाविक था ये उसका एम्बेरेस्ड होना, मीन्स शर्मिंदा फील करना। ही द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोज, मीन्स जो ट्रैम्प या जो घुमक्कड़ या जो वेगाबॉन्ड्स के मैनर्स होते हैं या जिस तरीके से वो रहते हैं, विल फॉल अवे, फॉल अवे मीन्स उसके जो है उतर जाएंगे, या इस तरीके के गो अवे, फॉल अवे वी कैन से गो अवे मीन्स वो चले जाएंगे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोज, कि मतलब जैसे ही वो अपने घुमक्कड़ वाले वेगाबॉन्ड्स के ये कपड़े उतारेगा तो उसके ये जो मैनर्स हैं वो भी चले जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन्ड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और अभी उसने जैसे ही ये बात कही तभी दरवाजा खुलता है और वो स्ट्रेंजर यानी कि पेडलर अंदर आता है। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, हाँ बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं था कि वो अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड ड्रेस्ड अप था। द वेलेट हैड बाथ्ड हिम कट हिज हेयर, मीन्स सर्वेंट्स ने क्या किया, उसको निलाया और उसके हेयर कट किए एंड शेव्ड हिम और उसकी शेव बनाई। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर, और इससे भी बड़ी बात ये कि वो अब एक बिल्कुल वेल ड्रेस सूट एंड टाई और सब कुछ पहने हुए था जो कि आयरन मास्टर के थे। ही वॉर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च कॉलर
एंड होल शूज मीन्स उसने क्या पहना था, ही वॉर अ व्हाइट शर्ट मीन्स एक व्हाइट शर्ट उसने पहनी, एंड स्टार्च्ड कॉलर मीन्स बिल्कुल कड़क कॉलर की जो शर्ट थी वो, एंड द होल शूज और कंप्लीट लॉन्ग शूज. स्टूडेंट्स मार्क हियर, वी हैव कंप्लीटेड इट्स सेवन पार्ट. नाउ वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट क्लास. आई विल अपलोड द रिलेटेड असाइनमेंट, ट्राई टू डू इन योर फेयर कॉपी. Thank you. Have a nice day.